गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हम अपना विषय शुरू कर रहे हैं व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण क्या है। कतिपय विद्वान जैसे कि निग्रो, एलडी व्हाइट, मार्क्स, विलोबी, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। व्यापक दृष्टिकोण का अर्थ है कि विस्तृत क्षेत्र को अपनाया था। ये नहीं कि वे एक न्यायालय के कार्य को अपनाया, एक कार्यपालिका के कार्य तक ही सीमित रखा, या जो नौकरशाही है हमारे उनके क्रिया उनकी प्रक्रियाओं को तक सीमित रखा। इन विद्वानों ने इसके बारे में एक विस्तृत, एक व्यापक क्षेत्र के ऊपर अपना दृष्टिकोण अपनाया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप संबंधित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना तथा क्रियान्वित करना होता है। प्रोफेसर व्हाइट ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के में भी सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करने तथा क्रियान्वित करना होता है। प्रोफेसर व्हाइट ने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा करते हुए लिखा है, लोक प्रशासन में सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। किसके बारे दृष्टिकोण के बारे में कौन कहते हैं? प्रोफेसर व्हाइट। वो क्या कहते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा करते हुए लिखा है, लोक प्रशासन में सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य है सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। इन्हीं विचारों को आगे विलोबी ने बढ़ाते हुए लिखा है, अपने व्यापकता अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। तो ये दो परिभाषा यहाँ पर हम देखेंगे। एक थी प्रोफेसर व्हाइट ने कहा है व्यापक दृष्टिकोण के बारे में, और दूसरा विलोबी ने। तो ये दो परिभाषा यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में निग्रो की व्याख्या अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें उन सभी पक्षों के अलावा लोक प्रशासन तथा राजनीतिक व सामाजिक प्रणाली के आपसी संबंध को भी सम्मिलित किया है। लोक प्रशासन के बारे में की व्याख्या इस प्रकार है जो निग्रो ने दी है। निग्रो के अनुसार क्या है, निग्रो के अनुसार है निग्रो के अनुसार निग्रो ने लोक प्रशासन के बारे में कहा है कि
लोक प्रशासन समाज के सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास है। नंबर दो, लोक प्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका उन तीनों के परस्पर संबंध सम्मिलित हैं। नंबर तीन, लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। नंबर चार, लोक प्रशासन समाज की सेवा करने के क्रम में निजी समूह और व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है कि लोक प्रशासन के बारे में उन्होंने इसके क्षेत्र को निजी समूह और जो लोक समूह सार्वजनिक समूह है उनको तक तक यहाँ पर रखा है। निजी निर्धारण आज के लोक प्रशासन का अभिन्न अंग है। प्रशासकों का सबसे मुख्य दायित्व यह है कि वे नीति संबंधित मामलों में मंत्रियों की सलाह दें और चूंकि वे अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं तो उसकी सलाह आमतौर पर मान ली जाती है। दूसरे, नीति संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करने में लगे होने के बावजूद प्रशासकों को अनिवार्यतः विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और सत्रों पर सहयोग नीतियों के निर्धारण करना होता है। अंतिम, सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों में आज अधीनस्थ कानून प्रशासकों की महत्वपूर्ण गतिविधि है। अतः आज के युग में नीति और प्रशासन अलग अलग नहीं है, अर्थात लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है कि सिविल अधिकारी नीति निर्माण में भी लगे रहते हैं। तो ये निगरो ने लोक प्रशासन के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। परंतु अनेक विद्वानों के अनुसार व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अध्ययन अव्यवहारिक है, क्योंकि ऐसा करने से जो लोक प्रशासन है वो स्पष्ट हो जाता है। तो ये थे लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में वाइट, विल्ब और निग्रो के विचार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो संकुचित दृष्टिकोण, कि लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण क्या है। संकुचित दृष्टिकोण कतिपय विद्वान जैसे कि लूथर गैलिक, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन लिखते हैं, इनके संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हुए साइमन लिखते हैं, साइमन लिखते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। उसके बाद इसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए गोलिक के अनुसार इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। सिमोन आदि लेखक लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। करते हैं, यह निष्पादक और प्रशासकीय शाखा की क्रियाओं के अनुरूप हो। संक्षेप में लोक प्रशासन की कार्यपालिका का संगठन, उसकी कार्यपालिका निर्णय आदि किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित बातें आती है। नंबर एक क्या है, सामान्य प्रशासन का अध्ययन है। किसका अध्ययन है भाई, सामान्य प्रशासन का अध्ययन है। नंबर एक सामान्य प्रशासन का अध्ययन है। लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की समस्याओं से संबंधित रहता है। इसके क्षेत्र में प्रशासनिक नीतियां, लक्ष्य, दृष्टिकोण, प्रशासन के ऊपर निर्देशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं। नंबर दो, कार्यपालिका का अध्ययन है। लोक प्रशासन प्रशासन की वह शाखा है जो कार्यपालिका अध्ययन करती है। कार्यपालिका में यहाँ तात्पर्य केवल ऐसानिक कार्यपालिका से है। किससे भाई, कार्यपालिका का अर्थ ऐसानिक कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन कार्यपालिका के उन समस्त ऐसानिक क्रियाओं से संबंधित रहता है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, यथार्थ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। प्रत्येक प्रकार के प्रशासन के लिए कार्यपालिका ही उत्तरदायी रहती है। नंबर तीन, सेवी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन। सेवी का तो सभी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसमें।
लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण सेवाओं की दशा अनुशासन व कर्मचारी संघ आदि समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किस किस का किया जाता है? पदाधिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण सेवाओं की दशा अनुशासन और कर्मचारी संघ आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, संगठन संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो संगठन से संबंधित जो भी समस्या है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे कि भाई लोक प्रशासन की अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रशासनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, किनके सूत्र क्या बनाते हैं, संगठन क्षेत्रीय या अनेक उनके जो संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन करना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 5, सामग्री प्रधान संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन की प्रति में विविध सामग्री खरीदारी से स्टोर करने और कार्य करने के तंत्र सज्जा और जो भी कार्य करने के तरीके हैं उसके स्टोर करने के बारे में उसकी सज्जा दर्जा डिजाइन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। नंबर 6, लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का पर्याप्त अध्ययन किया जाता है। प्रशासक स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते, वे जनता विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी रहते हैं इसका अध्ययन भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं लोक प्रशासन के माध्यम से की जाती है। नंबर 7, वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन कि लोक प्रशासन वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे कि भाई बजट कार्यरोपण वित्त से संबंधित अन्य प्रश्नों का भी समुचित अध्ययन किया जाता है। तो ये थे हमारे व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। और इस अध्याय का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पोस्ट कोप का दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण के बारे में हम कल को पढ़ेंगे। ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन का, पोस्ट कोप का दृष्टिकोण। थैंक यू।